तो हेलो गाइस, आज हम जाएंगे मेरे खेत में और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे खेत में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये रास्ता है मेरे खेत में जाने का। इस रास्ते से हम जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से बाइक भी जाती है। दोस्तों, ये आता है मेरे खेत में जाने का जो फर्स्ट नाला है, छोटा वाला। तो यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तो निकलने में बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ से निकलूँगा। तो दोस्तों, आप देखिए, यहाँ पर मैं पत्थर पे पाँव रख के जाता हूँ थोड़ी दूर। पर दोस्तों, हो सकता है मुझे कीचड़ में भी पाँव डालना पड़ जाए। अरे दोस्तों, अब तो मुझे पाँव डालना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, अब पाँव तो मेरे बहुत गंदे हो चुके हैं चप्पल समेत, तो मैं अभी धो लेता हूँ थोड़े बहुत। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ता है। और अब हम जाते हैं यहाँ से, चढ़ते हैं ऊपर। तो दोस्तों, देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। बारिश के समय में चारों तरफ हरियाली रहती है, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम छोटे थे, लगभग 8-10 साल के, तो यहाँ पे हम बैल, बकरी या भैंस, गाय चराया करते थे। पर अब बहुत समय हो गया कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चारा भी हो चुका है अभी, और अटाला भी बहुत है यहाँ पर। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ता है। और ये नाली है, तो दोस्तों ये आ गया है मेरा खेत। यहाँ से शुरू होता है मेरा खेत, आपको मैं बताता हूँ। और ये पेड़ है, बहुत बड़ा है। और दोस्तों देखिए, ये मेरा खेत है यहाँ से, और वो छोटा सा घर घर दिख रहा है जो भी बन रहा है, देख सकते हैं आप। ये अभी जो नया बना रहे हैं, पहले बहुत छोटी कुटिया थी, आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। दोस्तों, ये जगह दिख रही है आपको। यहाँ पर मैं जब 7-8 साल का, 10 साल का था, जब यहाँ पे मैं टॉयलेट करने यहीं आता था और यहीं बैठ के टॉयलेट करता था, यहाँ पर इस जगह पे। देखिए आप, उस वक्त तो शौचालय ही नहीं हुआ करता था, तो नदी नालों में ही जाना पड़ता था हमें पिछवाड़ा धोने के लिए। दोस्तों, ये पेड़, इस पेड़ का नाम तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर मैंने बहुत समय पहले, 8 साल पहले, मैंने यहाँ पर नाम लिखा था मेरा। SJ जो नाम लिखा हुआ है पेड़ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है थोड़ा बहुत, अभी भी किस तरह से बरकरार है वो, और बहुत ही सुंदर लग रहा है आज भी। देखिए आप, तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की ओर। दोस्तों, ये बांस है जो बड़ी वाली बांस है, अगर किसी को गांव में चाहिए या किसी को आसपास कहीं चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी काम के लिए, तो आपको मैं बांस दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा। आप थोड़ा बांस देख लीजिए, ये देखिए कितना गहरा है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं हमारे कुएं के पास में। मैं आपको मेरा कुआं बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा कुआं भर जाता है, पर इस बार बारिश कम है, उस कारण से कुएं में पानी थोड़ा कम है, वरना यहाँ से दिखता ही नहीं कि कुआं है, ऐसा लगता ही नहीं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी भरा पड़ा है। और दोस्तों, वो मोटर रखी है पानी की, जहाँ से मोटर चलती है, और पानी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है क्योंकि अभी मोटर चलती नहीं है, बारिश के समय में बारिश हो जाती है। तो दोस्तों, कचरा बहुत ज़्यादा है, जब पानी साफ होता रहता है, खाली होता रहता है, तो पानी बहुत क्लीन हो जाता है। और दोस्तों, पीने के लिए भी यही साधन है हमारे पास अभी तो खेत में। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको मेरे घर पे। तो देख लीजिए आपको एक बार। तो दोस्तों, ये है मेरा घर, खेत वाला, जो खेत की देखभाल के लिए बनाया गया था बहुत समय पहले। ये तो बहुत पुराना है, इसका अंदर पर 2-3 बार तोड़ कर इसको रिपेयर किया गया था। दोस्तों, ये कुटिया है जहाँ पर हम रहते हैं,
और खेत की देखभाल करते हैं, तो इतनी सी कुटिया में रहते हैं। अब ये बन रहा है हमारा नया घर, देख सकते हैं। अब काफ़ी समय लगेगा इसको तो अभी, क्योंकि अभी दोस्तों देखिए, मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ, आप देख लीजिए कि किस तरह से मेरा घर बन रहा है अभी। तो दोस्तों ये मेरा घर है जो भी न्यू निर्माण हो रहा है। दोस्तों तो देखिए मेरा खेत इस प्रकार से, यहाँ पर फसल लगी हुई, सोयाबीन और मक्का लगा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको ले चलता हूँ थोड़ा और आगे। तो दोस्तों ये गाय है, पर इसका बछड़ा, बछड़े की डेट हो चुकी, तो अभी ये अकेली है। और आगे बताता हूँ आपको मैं, देख लीजिए गाय को थोड़ा आप, कितनी सुंदर है। और दोस्तों ये बैल है हमारा, बहुत शांत स्वभाव का, आराम से, कोई फिक्र टेंशन नहीं, बढ़िया रहता है, बढ़िया आराम से खा पी के बैठा बैठा रहता है। दोस्तों ये है मेन जगह, वो जहाँ पर मैं आपको स्पेशल लाया हूँ, ये वो बरगद का पेड़ है। कहते हैं ये कई साल पुराना है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आपको मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखना और बताना कि कैसा लगा। आप तो फिलहाल तो इसके बारे में देख लीजिए कि ये कितना विशाल और कितना घना पेड़ है, वो कितना बड़ा है दोस्तों, देख सकते हैं। और इस पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई, आज से 12 साल पहले की थी हमने, ओंकारेश्वर से लाए थे शिवलिंग, और उस वक्त लगभग 15,000 रुपये में मिली थी हमको। और आज तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 14-15 साल हो गए, ये तो बहुत समय हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिवलिंग रखी हुई है, और बरगद के पेड़ को देखिए कि कितना विशाल है और कितना बड़ा है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा शिवलिंग बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कि शिवलिंग किस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ की बहुत सी कहानियाँ है जो आपको मैं आगे आगे की वीडियोस में बताऊंगा, आप फिलहाल तो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं शुरू से ही बताऊंगा तो आप बाद में समझ में आएगा। थोड़ा दूर से रिव्यू बताता हूँ मैं आपको, देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये, वो कितना घना है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था बरगद का पेड़, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उससे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपका आपको बताता हूँ, ये है कटहल का पेड़, यहाँ पर कटहल लगते हैं, हालांकि अभी कटहल का सीज़न नहीं है, उस कारण से यहाँ पर कटहल नहीं लगे हैं। तो कटहल के सीज़न में आपको यहाँ पर मैं कटहल भी बनाऊँगा कि किस तरह से कटहल लगता है। और ये थोड़ी घास फूस है जो फूल टाइप की है, जो अक्सर यहाँ उग जाती है बारिश के समय में, देख सकते हैं थोड़ा कैसा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं इमली पर, इमली के पेड़ के नीचे, अब हम इमली पे चढ़ेंगे थोड़ा, और मैं आपको इमली के ऊपर चढ़कर बताऊंगा। अरे चलो चढ़ता हूँ अभी मैं। तो दोस्तों अभी मैं चढ़ रहा हूँ इमली पर, यहाँ पर बहुत वो घना है तो चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, और एक हाथ में मोबाइल पकड़कर तो और ज़्यादा मुसीबत आती है चढ़ने में, तो वो फिसलने का डर भी रहता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैं थोड़ा चढ़ जाता हूँ ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं यहां से निकलूंगा अभी, ये देखो यहां से निकलता हूं। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर इमली दिख रही है, ये लगी है इमली। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से यहां पर कितनी ज्यादा इमली लगी हुई है, और किस कितनी गहरी है। दोस्तों आप लोगों को कभी खाना हो तो आप जरूर आइए, और इस इमली का जो राज है मैं आपको बताता हूँ, कि ये इमली आपने शायद ही कहीं देखी होगी या कभी खाई होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इमली कितनी ज़्यादा लगी हुई है, और आप लोगों को अगर खाना हो तो आप जरूर आइए मेरे यहाँ, मैं आपको अभी इसे तोड़ कर बताऊँगा कि इसमें किस तरह से पूरा लाल खून जैसा, यहाँ पर इसका जो कलर होता है, जो पूरा लाल होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, देखो किस प्रकार से कितना लाल है ये, अंदर पूरा खून की खून।
अगर आप खा भी लेते हो तो पूरी जीभ लाल हो जाती है, और मिठास में भी बहुत ही बढ़िया होता है ये। आप थोड़ा गौर से देखिए, आपने कभी ऐसी इमली देखी है कमेंट में बताइए ज़रूर। तो मैं थोड़ा इसे अभी तोड़ कर बताऊँगा, इसे थोड़ा छील के बताऊँगा इसको। मैं देखता हूँ, देखो दोस्तों वहाँ पर भी मैंने तोड़ी तो वही सेम निकल रही है। इस प्रकार से सभी इमली लाल होती है यहाँ पर। मैं से थोड़ा इसे तोड़ देता हूँ, आप देखना थोड़ा, ये देखिए किस प्रकार से अंदर भी लाल है और बहुत ज़्यादा लाल है ये। ऐसा लगता है जैसे पूरा खून हो उसमें इमली का। दोस्त देख सकते हैं किस तरह से वो कितना रेड होता है ये। तो दोस्तों ये थी मेरे यहाँ की इमली और उसका कलर और उसका स्वाद और मेरे खेत का ये वीडियो। देखिए किस तरह से पूरा खून निकलता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए,